Hello students, I'm Renu Verma, your English language teacher, and in today's class we'll cover chapter 1 of your book, The English Channel. The name of chapter is A Day with Panda. ठीक है, आज हम आपका chapter 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है A Day with Panda. ये बहुत ही interesting chapter है, so let's get started. द नेम ऑफ चैप्टर इज अ डे विद पांडा. ठीक है, ये आपकी इंग्लिश चैनल का चैप्टर 1 है जिसका नाम है अ डे विद पांडा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कैन यू नेम दीज एनिमल्स? ठीक है, जो राइटर है उन्होंने कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी है पहले, और उन्होंने ये पूछा है कि क्या आप इन एनिमल्स को कोई नेम दे सकते हैं, आपको पता है इनके क्या नेम है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, Which of these animals can you keep as a pet? दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें आप as a pet अपने घर में रख सकते हो. तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं. आप खुद से इनके आंसर थिंक करेंगे और खुद से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के. ठीक है, तो चलिए आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Miss Patel has a surprise for the children. बच्चों को सरप्राइज बहुत पसंद है ना, तो Miss Patel ने एक दिन क्या किया, बच्चों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया. Today she is teaching them about the panda. आज वो उन्हें क्या पढ़ाने वाली थी, पांडा के बारे में. Her favorite animal, Miss Patel asked the children, do you know How many kinds of pandas there are? तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, सबसे पहले मिस पाटिल ने बच्चों से पूछा कि बच्चों क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि पांडास कितनी तरह के होते हैं. स्वाति says, I think there are two kinds, mom. तभी स्वाति ने फटाफट से हैंड रेज किया और आंसर दिया कि मॉम अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पांडास. मेरे अकॉर्डिंग पांडास टू टाइप्स के होते हैं. यस दैट्स करेक्ट सेज मिस पाटिल. मिस पाटिल जो टीचर होती हैं, कहती यस वेरी करेक्ट आंसर. देयर आर टू काइंड्स ऑफ पांडास. द जायंट पांडा विच इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड द रेड पांडा Also called the lesser panda. दो पांडास होते हैं, एक तो बड़ा वाला पांडा, जॉइंट पांडा, बड़ा होता है ना उसे जॉइंट बोलते हैं, जो ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है, और दूसरा रेड पांडा जिसे हम लेसर पांडा यानी कि छोटा पांडा भी बोलते हैं. ठीक है, Just then there is a knock on the door. Miss Patel opens it. तभी क्या होता है, नॉक की आवाज आती है दरवाजे पे और मिस पाटिल उसको क्या करती है, डोर को ओपन कर देती है. Oh, what a lovely surprise! Children, please welcome Panda. He is giant panda. He is here to answer your all questions. जैसे ही मिस पाटिल डोर ओपन करती हैं, तभी क्या देखती हैं सामने, एक प्यारा सा सरप्राइज, और बच्चों से कहती हैं कि वेलकम करिए, यहाँ पर जायंट पांडा आए हैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए. द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड टू सी पांडा. दे वॉन्ट टू फील हिज फर. बट मिस पाटिल सेज क्वेश्चंस फर्स्ट. बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अपनी सीट से उठ जाते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, वो टच करना चाहते हैं किसको, पांडा को. लेकिन माम बोलती है कि बेटा नहीं, पहले आप अपनी अपनी सीट्स पे बैठिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए पहले. तो बच्चे सभी डिसिप्लिन में होके एकदम से बैठ जाते हैं. वेयर डू यू कम फ्रॉम, आस्क रॉबिन. रॉबिन ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो. पांडा रिप्लाइज, वी जायंट पांडास आर यूजुअली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल चाइना.
हम सेंट्रल चाइना के जंगलों में रहते हैं. माई कजन्स रेड पांडास आर फाउंड नॉट ओनली इन चाइना बट ऑल्सो इन म्यांमार, नेपाल एंड द हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ब्लैक एंड व्हाइट पांडा जो जायंट पांडा होता है, उसने बताया रोबिन को और पूरी क्लास को साथ में कि हम सेंट्रल चाइना के जंगलों में रहते हैं, लेकिन जो मेरा कजन है रेड पांडा, वो सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि म्यांमार में, नेपाल में और हिमालय के फॉरेस्ट में भी रहता है. सेकेंड क्वेश्चन, आमिर से, हाउ बिग डू यू ग्रो? आस आमिर. अब आमिर की टर्न थी क्वेश्चन पूछने की. उन्होंने पूछा कि आप कितना तक ग्रो कर सकते हो, कहाँ तक ग्रो कर सकते हो आप? तो जायंट पांडा रिप्लाइड, वेरी बिग. मेल जायंट पांडास ग्रो टू अबाउट 6 feet इन हाइट एंड वे मोर देन 110 kilos, यानी कि 110 kilos तक उनका वेट होता है और हाइट उनकी 6 feet से भी ज्यादा हो सकती है. फीमेल जायंट पांडास वे लेस एट अबाउट 105 kilos, और जो फीमेल जायंट पांडास होते हैं उनकी वेट होती है 105 kilo, वो उनसे थोड़ा सा कम होती है. ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? अस्मिता. अब स्मिता पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुम खाते क्या हो? आवर फेवरेट फूड इज बैम्बू. वी कैन ईट बैम्बू फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तभी जायंट पांडा बताते कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बैम्बू, मैं इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकता हूँ, लंच में भी खा सकता हूँ, डिनर में भी, यानी कि सौरों सौरों दिन में इसे खा सकता हूँ. वी ईट इट्स स्टेम, लीव्स एंड शूट्स. हम इसके स्टेम भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं और शूट भी खाते हैं. वी हैव टू ईट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ बैम्बू टू गेट द नरिशमेंट. हमें जो नरिशमेंट मिलता है वो हमें किससे मिलता है? वो हमें बैम्बू से ही मिलता है. तो हम इसकी बड़ी बड़ी अमाउंट में इसको खाते हैं. ठीक है, वी कैन स्पेंड अबाउट 10 to 12 hours a day ईटिंग. हम इतना खाते हैं कि खाने में हम 10 to 12 hours इन अ डे स्पेंड कर देते हैं. बट कैप्टिव पांडास फाउंड इन जूज. लेकिन जो कैप्टिव पांडास होते हैं वो जू में रहते हैं, हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड. उन्हें खाने के लिए बहुत डिफरेंट वेराइटीज मिलती हैं. दे में ईट सीरियल्स, मिल्क एंड गार्डन वेजिटेबल्स. उन्हें दालें, दूध और गार्डन की वेजिटेबल्स भी मिलती हैं खाने के लिए. ठीक है, प्लीज टेल अस मोर अबाउट द रेड पांडास, सेज रोहित. अब रोहित ने कहा कि प्लीज मुझे तो आप रेड पांडास के बारे में बताओ कुछ. आर कजन्स रेड पांडास आर मच स्मॉलर, दे यूजली ग्रो एज बिग एज अ फुल ग्रोन कैट. तभी वो शुरू हो जाते हैं बताने के लिए रेड पांडास में, क्योंकि रोहित वॉज इंटरेस्टेड टू नो, है ना. वो कहते हैं कि जो मेरे रेड पांडास होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो इतने होते हैं जितने कि फुल ग्रोन, एक पूरी तरीके से ग्रोन कैट होती है ना, उनका साइज इतना होता है. दे हैव लॉन्ग बुशी टेल्स, उनकी एक लंबी और बुशी थोड़ी थोड़ी सी कांटों वाली टेल होती है. रेडिश ब्राउन फर होते हैं ऑन द बैक एंड बैक फर ऑन द बैली. उनकी जो बैली होती है उस पर भी ब्लैक कलर के फर होते हैं. दे टू लव टू ईट बाम्बू, उन्हें भी बाम्बू खाना बहुत पसंद है. बट दे ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सारा दिन ही बाम्बू खाते रहे. उन्हें इंसेक्ट्स खाना भी पसंद होता है, फ्रूट्स खाना भी पसंद होता है एंड समटाइम्स स्मॉल एनिमल्स. और वो कभी कभी छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी खाते हैं. देन मिस पाटिल टेल्स द चिल्ड्रन, डिड यू नो दैट द लाइव्स ऑफ जायंट पांडास एंड द रेड पांडा आर इन डेंजर. पीपल आर कटिंग डाउन देयर नेचुरल होम द बैम्बू फॉरेस्ट. तभी मिस पाटिल ने बताया, बच्चों क्या तुम्हें पता है कि जो पांडास हैं, जायंट पांडास एज वेल एज रेड पांडास, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है, क्योंकि जो लोग हैं वो काट रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट को, उनके जो नेचुरल होम्स हैं उनको अपने ऑन बेनिफिट्स के लिए,
और जो बैम्बू फॉरेस्ट है जब वो ही नहीं रहेंगे तो पांडास कैसे रहेंगे फिर, है ना? बिकॉज पांडास कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बैम्बू फॉरेस्ट. रियली दिट्स वेरी सैड. वी मस्ट सेव आर फॉरेस्ट टू हेल्प देम मॉम, सेड लीसा. लीसा ने कहा रियली मॉम दिस इज वेरी सैड. वी मस्ट नॉट कट द फॉरेस्ट. वी मस्ट गो टू सेव द लाइव्स ऑफ पांडास. देन मॉम रिप्लाइड यस लीसा वी मस्ट. हाँ लीसा हमें ऐसा करना चाहिए, सेड मिस पाटिल. मिस पाटिल ने आंसर किया. आई होप आपने बहुत इंजॉय किया पांडास के बारे में जान के. आपको बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.